अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सरसों के साग की जो रेसिपी है वो शेयर करने जा रही हूँ। सरसों का साग किस तरह से बनाते हैं, उसका आसान तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये देखें, ये जो सरसों का साग है ये हमें मतलब किसी ने गिफ्ट दिया था, तो कहीं से यानी आया था, तो मैंने सोचा चले आपके साथ वीडियो भी शेयर की जाए किस तरह से हम बनाते हैं। ये इंतहाई साफ़ सुथरा साग है, जैसे फ्रेश कटिंग हुआ हो ना, खेतों से जो कटिंग किया होता है उस तरह से मतलब फ्रेश कटिंग हुआ है। और ये मेरी मम्मा जो है उसको कटिंग कर रही है, इसको देख के थोड़ा सा झाड़ देती है, इससे ये होता है कि जो पानी वगैरह होता है ना वो एक साइड पर निकल जाए, थोड़ा बहुत यानी जो उसमें लगा हुआ होता है। और इसके साथ इसमें फिर सब्ज़ धनिया है और पालक है, ये सारी चीज़ें जो सरसों के साग में जो ऐड होती है ना, वो सारी चीज़ें हमने कटिंग कर लेनी है। देखें इस तरह से ब्रीक ब्रीक से इसको चॉप कर लें। आजकल तो वैसे साग सरसों के साग कटिंग करने वाली मशीनें भी आई हुई हैं, लेकिन हमारे पास मशीन नहीं है। हम इसी तरह से ये जो इसका जिससे इसे कटिंग करते हैं उसी से हम इसको कटिंग करें। हमारे पास मशीन नहीं है, अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन में भी कटिंग कर सकते हैं। इसको तजर्बा है वो उससे भी कटिंग कर सकता है, जिसको नहीं है वो मशीन से कटिंग कर ले। लेकिन ये सरसों का साग जो बनाया था इसकी खुशबू और ये इसका जो जायका था वो इंतहाई लजीज था, इंतहाई मज़े का था। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपका सरसों का साग जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। तो ये देखिए, ये पालक और ये साग जो है वो कटिंग कर लिया है, और साथ इसमें जो सब्ज़ मिर्ची ढेर सारी ऐड होनी है वो उसको साफ़ करके एक साइड पर रख लिया है, ठीक है। और ये देखिए मिंताई फ्रेश, और ये अब हम क्या करेंगे, इसको धोएंगे अच्छे से ताकि इसके अंदर से जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। तो किसी भी आप खुले बर्तन में डाल लें या जिसमें आपको इजीली यानी आप इसमें धो सकें। तो ये देखें इसमें जो मिट्टी है वो एक साइड पर हो रही है। आपको पता है ये जो रेतली जगह पर जो चीज़ बनाई जाती है उसमें मिट्टी तो लाजमी होती है, ये मेथी हो या कुछ भी पालक के अलावा साग हो गया, जो भी मिट्टी में चीज़ बनती है उसमें मिट्टी लाजमी होती है। देखिए इसको धो के और एक टोकरी में इसको एक साइड पर रखते जाना है। टोकरी भी अच्छे से साफ़ कर ली थी, और उसके बाद ये सारा जो साग ये पालक है और साग है इसको अच्छे से धो के एक साइड पर रखते जाना, ताकि इसके अंदर से जो सारी मिट्टी है वो एक तरफ हो जाए। पालक जो है वो वॉश कर ली है, अब जो हम वॉश करने लगे हैं साग को, ठीक है। तो साग को भी इसी तरह से अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि इसके अंदर से जो मिट्टी है वो सारी निकल जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए, मिट्टी के ज़रा जो है वो खाते वक्त मुँह में ना आए, तो वो फिर जायका जो है वो साग का ख़राब हो जाता है। इसलिए इसको अच्छे से नरम हाथों से आराम से प्यार प्यार से धोएं, ताकि इससे जो मिट्टी है वो निकल जाए। ये देखें सारी मिट्टी जो है वो निकल गई है, अब इसको अच्छे से निचोड़ के एक साइड पर रख लेते हैं। तो बाकी अब जो साग बचा है उसको भी इसी तरह से दोबारा से एक पॉट में डाल के उसको भी इसी तरीके से वॉश करेंगे। ये देखें इसी तरीके से इसको अच्छे से वॉश कर लेना। साग जो है वो अच्छे से साफ़ हो गया है, इसके अंदर से सारी मिट्टी जो है वो निकल गई है। अब हम इसको एक साइड पर रखेंगे, ताकि जो उसका पानी है वो अच्छे से निकल जाए, इसके अंदर से जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, ठीक है। तो ये देखिए अब इसके ऐसे जो भी साग वगैरह है वो हाथ में आ जाएगा, और बाकी जो पानी है वो नीचे गिरा देंगे। ये देखिए अब इसको चार पे रख लेंगे, जैसे आपको इजी लगे उस पर लग के
टोकरी में डाल कर तो उसको एक जगह पर रख दें और इसके ऊपर डाल दें ये कोई भी कपड़ा ऐड कर दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सब्ज़ मिर्ची लेंगे, अदरक लहसुन लेंगे और साथ ही इसमें जो प्याज़ है वो ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको जो है वो चॉप करना है, यानी कि ब्लेंड कर लें। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। जो अदरक है वो इस पॉइंट पे नहीं डाला, अदरक का सिर्फ पानी ऐड करेंगे, अदरक इसमें नहीं डाला हुआ। ठीक है, सिर्फ लहसुन डाला हुआ, लहसुन को भी अच्छे तरह से छील के उसको साफ़ करके तो वो इसमें ऐड किया, और प्याज भी इसमें एक मीडियम साइज़ का ऐड किया, और इसमें सब्ज़ मिर्ची जो है वो तकरीबन एक पाव के करीब ऐड किए, जिस जितना आपका साग होगा ना उसके मुताबिक हमने इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए, अब ये जो अदरक है इसको क्रश करके वो इसमें ऐड करेंगे, पूरा अदरक का पीस इसमें नहीं ऐड करेंगे। देखें ये जो अदरक को कद्दूकस करेंगे, जो उसका जो पानी निकलेगा हल्का फुल्का जो है वो पीस के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जो साग सरसों का साग था वो चूल्हे पर रख दिया था पानी ऐड करके, तो अब ये जो हमने चीज़ें इसमें ब्लेंड की थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं, ताकि ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड किया है, नमक तो ऐड बाद में भी हम कर लेंगे अगर थोड़ा सा कमी पेशी हुई तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह साग जो था वो रेडी हो गया था। अब हम इसको अच्छे से जो मैदानी होती है ना सरसों के साग की मैदानी, उससे हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि ये एक जा हो जाए, यकजा हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसको किस तरह से बनाएंगे मैं आपको उसका तरीका जो है वो आगे दिखाती हूँ। इस तरह से अगर आप ही बनाएंगे तो आपका जो सरसों का साग है वो इंतहाई लजीज और इंतहाई मज़े का बनेगा। हमारे घर में तो इस तरह से साग खाते हैं और बहुत ही पसंद किया जाता है। तो ये देखें जो साग है वो अच्छे से हो गया है, मिक्स हो गया। अब ये देखें, अब आपने क्या करना है, ये एक बर्तन में चिकन ले लें, चिकन को अच्छे से आपने प्याज वगैरह डाल के ना, प्याज और उसमें जो मसाले ज़्यादा ऐड होने हैं जैसे लाल मिर्ची होगी, सब नमक, खुश्क धनिया और गरम मसाला, मतलब सारी चीज़ें ऐड करके, तो इसके अंदर हमने मतलब गोश्त को अच्छे से भून लेना। गोश्त जैसे ही अच्छे से भून जाए फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना जो सरसों का साग है वो ऐड करेंगे। तो ये देखें अच्छे से उनकी बनाई हो रही है, छोटे छोटे पीस आप चिकन के कर लें, बड़े बड़े जो चिकन के क्यूब्स हैं वो उसके अंदर ऐड ना करें, छोटे छोटे चिकन लें और उसके क्यूब्स बना के वो उसके अंदर ऐड करें। तो ये देखें, ये अब हमारा जो है चिकन जो है वो रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, बाकी तरीका मैं आपको भी आपको दिखाती हूँ। इसको हमने एक बर्तन में निकाल लेना है सारा चिकन जो है, अब ये सारा चिकन जो है वो एक साइड पे निकाल लिया। अब हम जो सरसों का साग है उसको अच्छे से बर्तन में डालेंगे, यानी और उसकी बनाई करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो साग है ये फ्रीज किया हुआ है, ये नेक्स्ट डे हमने एक क्लिप बनाया था, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि जो अच्छे से सरसों का साग जो है वो निकल जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से कुक करेंगे। जैसे ही अच्छे से कुक होता है तो हम इसके अंदर जो गोश्त है यानी कि जो हमने बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए पानी अच्छे से खुश्क हो गया था, तो इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपने भी अपने सरसों का जो साग है वो बनाना है, इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर वाले बहुत ज़्यादा उसको पसंद करेंगे। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सेंड करें। मुझे सिर्फ आपके सपोर्ट की चाहिए। मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का साग बना है।
अब आप इसको डिश आउट करें और इन्जॉय करें। आई होप सो आपका वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।